Hello students, in this video we'll discuss chapter number 8, Reforms in Indian Society. बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट रिफॉर्म्स को जो इंडियन सोसाइटी में हो चुके हैं. बहुत सारे सोशल लेवल्स थे, बैड प्रैक्टिसेस थी हमारी इंडियन सोसाइटी में, जो प्रैक्टिस की जाती थी हमने उनमें सुधार कर लिया है. एक दो बैड प्रैक्टिसेस, एविल प्रैक्टिसेस अभी भी बची हैं, फ्यूचर में हम उनके ऊपर भी काम करेंगे. तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गेट सेट सेक्शन को. तो गेट सेट सेक्शन का क्वेश्चन कह रहा है कि आपको फेमस पर्सनालिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है ना. तो ये जो पहली फेमस पर्सनालिटी है, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति इन्हें जानता है, हर बच्चा इन्हें जानता है, क्योंकि जीके की बुक इनके बिना कंप्लीट नहीं होती. ये बहुत ही फेमस सोशल वर्कर हैं, इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में. इनका नाम है अरुणा रॉय. क्या नाम है बेटा? अरुणा रॉय. फिर से ये कौन है? अरुणा रॉय. चलो देन किस व्यक्ति को हम वाटरमैन ऑफ इंडिया की तरह जानते हैं? क्या है इनका नाम जिन्हें हम इंडिया में वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं? इन्होंने बेटा बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस तक पानी पहुंचाया है, डैम्स बनवाए हैं, अर्थन डैम्स बनवाए हैं जिनमें रेन वाटर कलेक्ट होता है. कौन है ये? तो ये हैं राजेंद्र सिंह. ठीक है, कौन है? राजेंद्र सिंह. थर्ड क्वेश्चन है, शी इज एसोसिएटेड विथ टीच फॉर इंडिया प्रोग्राम, शी वर्क्स टुवर्ड अचीविंग एजुकेशनल इक्विटी इन इंडिया. इनका नाम है बच्चा शाहीन मिस्त्री. कौन है बेटा ये? शाहीन मिस्त्री है. इनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है टीच फॉर इंडिया प्रोग्राम के लिए. बेटा इन्हें तो सब जानते ही हैं. ये कौन है? जॉन अब्राहम. ये बहुत पॉपुलर एक्टर हैं और ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं नीडी पीपल को. क्या नाम है इनका? जॉन अब्राहम. तो बेटा पेपर में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए. अरुणा रॉय हैं, राजेंद्र सिंह हैं, शाहीन मिस्त्री और ये हैं जॉन अब्राहम. तो याद रखना. ठीक है, चल बेटा इस चैप्टर में हम लोग 19th सेंचुरी को डिस्कस करेंगे. तो 19th सेंचुरी वो पीरियड है जो 1801 से स्टार्ट होके 1900 पे ख़त्म होता है. हमेशा ध्यान रखना सेंचुरी एक पीछे चलती है ना. तो 19th सेंचुरी की बात जब हम कर रहे हैं, जब हम किस पीरियड की बात कर रहे हैं, 1801 से लेकर के 1900 तक चलने वाले 100 साल क्या कहलाएंगे? 19th सेंचुरी. ठीक है, तो बेटा 19th सेंचुरी में जो इंडिया था उसमें बहुत सारे सोशल लेवल्स थे, बहुत सारी सामाजिक बुराइयां थी. तो जो इंडिया था 19th सेंचुरी का, उसमें बहुत सारे सोशल लेवल्स थे. वॉज प्लेग्ड विथ मेनी सोशल लेवल्स. प्लेग एक बीमारी होती है, तो मतलब बहुत सारे सोशल लेवल्स बीमारी की तरह 19th सेंचुरी के इंडिया में फैले हुए थे. पर जो हमारे एजुकेटेड इंडियंस थे, मतलब कुछ हमारे इंडियंस जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में थे, जिन्होंने मिशनरी से पढ़ाई की, इंग्लिश एजुकेशन को एम्ब्रेस किया, जब उन लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ लिया, वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आ गए, साइंस टेक्नोलॉजी को समझने लगे, तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया भाई कि अगर इंडिया की प्रोग्रेस हमें देखनी है, इंडिया को अगर हमें डेवलप करना है, तो पहले हमें हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है. हम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते रहेंगे, है ना. तो हमें कम से कम हमारे इंडिया की प्रोग्रेस के लिए हमें किस बात की ज़रूरत है कि हम हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करें. तो बेटा 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, अब 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ बोल रहे हैं, तो 1801 से लेकर के 1850 तक के पीरियड की वो बात कर रहे हैं. फर्स्ट हाफ मतलब पहला हाफ, तो फर्स्ट हाफ था 19th सेंचुरी का. इस टाइम में बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट ट्रेंड आए. ठीक है, डिफरेंट रिफॉर्मर्स आएंगे और हर रिफॉर्मर अपने लेवल पे कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करेगा इंडियन सोसाइटी में, और वो चेंज बहुत पॉजिटिव ही होगा. कुछ सम इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ अब हम डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को. हु स्पीयर हेडेड द रिफॉर्म मूवमेंट, जिन्होंने इस रिफॉर्म मूवमेंट की लीड ली, पहले अटैक करना स्टार्ट किया. अटैक नॉट इन द सेंस ऑफ कि तलवार मारी होगी या गोलियां मारी होंगी, रिफॉर्म करने की मतलब सुधार करने की जिन्होंने शुरुआत की, जिन्होंने
सुधार की तरफ पहला कदम बढ़ाया, जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया, उन्हें अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो बेटा पहले हैं राजा राम मोहन रॉय। तो बेटा जो राजा राम मोहन रॉय थे वो तो पायोनियर थे इस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के। 19th सेंचुरी में इंडिया में जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चल रही थी उसके पायोनियर ही कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है पायोनियर, इसका मीनिंग होता है अग्रणी, जिसने फर्स्ट स्टेप लिया हो। तो राजा राम मोहन रॉय इस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो इंडिया में चल रही थी उसके पायोनियर थे। बहुत एजुकेटेड थे, बहुत ही एजुकेटेड मैन थे, रीड कर सकते थे, राइट कर सकते थे, डजन्स ऑफ लैंग्वेज को वो बोल सकते थे, लगभग 12-13 भाषाएं इन्हें बोलना आती थी, एंड स्पीक क्लोज टू डजन्स लैंग्वेजेस। लगभग 12 भाषाएं ये बोल लेते थे, पढ़ पाते थे, लिख पाते थे और एजुकेटेड थे। अब बेटा जो राजा राम मोहन रॉय थे वो रिलीजियस रिफॉर्म की भी बात करते थे और सोशल रिफॉर्म की भी बात करते थे। सोशल रिफॉर्म मतलब सोसाइटी में सुधार होना चाहिए, और रिलीजियस रिफॉर्म मतलब धर्म में सुधार होने चाहिए। तो धर्म और समाज दोनों में ही सुधार की बात करते थे राजा राम मोहन रॉय, क्योंकि इनका मानना था कि जो रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं, जो हमारे धार्मिक विचार होते हैं, वही हमारी सोशल लाइफ को डिक्टेट करते हैं। ठीक है, जैसा हमारा धर्म कहेगा वैसी ही तो हमारी सोशल लाइफ होगी। हमारा हिंदू धर्म है, अब हिंदू धर्म बोल रहा है सोमवार मंगलवार का उपवास रखो, इधर पूजा करो, ऐसे कुछ करो, तो वैसी ही तो हमारी सोशल लाइफ हो जाएगी। तो राजा राम मोहन रॉय बहुत अच्छे से जानते थे कि रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म साथ साथ ही चलेंगे, दोनों में साथ में ही रिफॉर्म आएंगे, क्योंकि जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं वही डिक्टेट करते हैं सोशल लाइफ को। रिलीजन नीडेड टू बी रिफॉर्म फर्स्ट, पहले तो धर्म को सुधारो फिर समाज अपने आप सुधर जाएगा। पहले किसको सुधारना है? धर्म को। तब क्या सुधरेगा? समाज। रिलीजियस रिफॉर्म्स, तो जो राजा राम मोहन रॉय थे वो बिलीव करते थे एक भगवान में, इनका मानना था कि एक ही भगवान होते हैं। ये आइडल वर्शिप को अपोज करते थे, ये बोलते थे जितने मीनिंगलेस रिचुअल्स हम करते हैं, यज्ञ करो, सेक्रीफाइसेस करो, ये सारी चीज़ें मीनिंगलेस हैं, जो मेन चीज़ है वो तो है एक भगवान है और आपका जो कर्म है वो सही होना चाहिए, है ना। तो ये आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा के विरोध में थे, मीनिंगलेस रिचुअल सेक्रीफाइसेस, यज्ञ यज्ञ वगैरह इनके विरोध में थे। इन्होंने वेद को ट्रांसलेट किया, उपनिषद को ट्रांसलेट किया बंगाली लैंग्वेज में। देखो ये सारी चीज़ें संस्कृत में थी, वेद्स भी उपनिषद्स भी, तो इन्होंने बोला कि भाई मैं तो इन सबको ट्रांसफ़र कर दूंगा बंगाली में सो दैट एवरीबडी कैन रीड इट, क्योंकि अभी तो जो पंडित जी बता देते हैं हम उस पर बिलीव कर लेते हैं, बिकॉज वी आर नॉट नोइंग हाउ टू रीड, और संस्कृत तो हमें आती नहीं है, बंगाली आती है। तो इन्होंने वेद और उपनिषद को बंगाली में ट्रांसलेट कर दिया। 1828 में इन्होंने ब्रह्मो सभा, बाद में ब्रह्मो समाज बनेगा। 1828 में इन्होंने सेटअप किया ब्रह्मो सभा को। 1828 में क्या आई? ब्रह्मो सभा आई। बाद में इसी ब्रह्मो सभा का नाम क्या हो गया? ब्रह्मो समाज। ये क्यों बनाया इन्होंने ब्रह्मो समाज या ब्रह्मो सभा? टू वर्क फॉर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स, धार्मिक और सामाजिक सुधार करने के लिए इन्होंने बनाया ब्रह्मो समाज। लोगों के बीच में भाईचारा हो, इसीलिए वो लोगों से बोलते थे, सारे धर्म के लोगों के, सारे जात के लोगों से बोलते थे, आप लोग एक साथ आके पूजा करो, एक साथ वर्शिप करो। ठीक है बात, तो ये बहुत अच्छी बात थी राजा राम मोहन रॉय की, जिन्होंने कहा कि धर्म के बिना समाज में सुधार नहीं आ सकता, क्योंकि धर्म ही समाज को डिक्टेट करता है ना। कहीं ना कहीं समाज में जो इन्फ्लुएंस होता है वो किसका ही होता है? धर्म का होता है। फिर उन्होंने एक बात और कही कि सारे रिलीजन के लोग जब साथ में आके वर्शिप करेंगे तो ब्रदरहुड की फीलिंग बढ़ेगी, और इसीलिए इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया कि ये सोसाइटी में धार्मिक और सामाजिक सुधार ला सकें। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक सुधार जो इन्होंने किए, सोशल रिफॉर्म्स। राजा राम मोहन रॉय अपोज करते थे कास्ट सिस्टम का, जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम बोले तो जाति प्रथा, अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत चलती थी पहले, ये अपर कास्ट का, ये लोअर कास्ट का, ये हमारे घरों में नहीं आ सकता, ये हमारे कुएं से पानी नहीं ले सकता, सुपरस्टिशियस, दुनिया भर की ऊटपटांग चीज़ें। सुपरस्टिशियस का मीनिंग क्या होता है बेटा? अंधविश्वास। तो दुनिया भर की फालतू चीज़ें मतलब अंधविश्वास था, छुआछूत थी,
जाति प्रथा थी, राजा राम मोहन इन सबको अपोज करते थे। अंधविश्वास तो ऐसे थे कि ऐसा कर दोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा कर दोगे तो वैसा हो जाएगा। इन्होंने वाइग्रसली फाइट की फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, ये औरतों के स्तर को भी थोड़ा सा सुधारना चाहते थे, उन्हें इक्वालिटी दिलाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने वाइग्रसली उसके लिए भी लड़ाई की। इन्होंने सपोर्ट किया इस बात को कि भैया औरतों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, क्योंकि जब औरतें पढ़ेंगी लिखेंगी तो उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि उनका राइट कंडक्ट क्या है, है ना। विडो री मैरिज की बात की, बेटा पहले छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, और जो लड़कियां होती थी बहुत ही अर्ली एज में विडो हो जाती थी, तो उनकी शादियां नहीं होती थी, वो पूरा जीवन बहुत ही मुश्किल में काटती थी। तो इन्होंने बात की कि नहीं, विडो को री मैरिज का पूरा राइट है। ही अपोज चाइल्ड मैरिज, ये जो बच्चों की शादी कर देते थे ना छोटे छोटे बच्चों की, इन्हें ये भी बिल्कुल पसंद नहीं थी राजा राम मोहन रॉय को, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाए। और ये पॉलीगैमी को भी अपोज करते थे। पॉलीगैमी मतलब एक हस्बैंड बहुत सारी वाइफ रख सकता है, जैसे बहुत सारे किंग्स को आप लोगों ने देखा होगा ना, अशोक के पापा बिंदुसार उनके भी तीन वाइफ थी, महाराणा प्रताप के जो पापा थे उदय सिंह उनकी तीन वाइफ थी, उसके पहले भी चला आया है। तो ये मना करते थे कि नहीं तो बच्चों की शादी करो और एक टाइम में एक हस्बैंड के पास एक ही वाइफ होनी चाहिए, पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा वाइफ नहीं होनी चाहिए। जब एक हस्बैंड की एक से ज़्यादा वाइफ हो तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीगैमी। तो बेटा जो हमारे राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने कैंपेन किया किसके अगेंस्ट में, सती के अगेंस्ट में। सती बहुत ही इनह्यूमन प्रैक्टिस थी। राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारे रिफॉर्म्स हमारे इंडियन सोसाइटी में किए हैं, पर सबसे बड़ा रिफॉर्म तो बेटा सती प्रथा को ख़त्म करना ही है। आप लोग क्लास 8 में हो, किसी बच्चे ने हो सकता कभी एग बॉयल किया हो, कभी मैगी बनाई हो, किसी हो सकता लड़की ने रोटी वगैरह भी बनाई हो या ना भी बनाई हो, तो बेटा जब भी हमें थोड़ा सा भी जल जाता है तो कितना पेन होता है। तो सोचो पूरी की पूरी जिंदा औरत को जला देना कितना इनह्यूमन था। यही होता था सती प्रथा में, जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो ऐसा माना जाता था कि भैया अभी इस औरत की देख रेख कौन करेगा, उसकी वाइफ को कौन संभालेगा। तो जो हस्बैंड का फ्यूनरल पायर होता था, उसी फ्यूनरल पायर में यहाँ तो डेड बॉडी रखी होती थी हस्बैंड की, और इसी डेड बॉडी के ऊपर, इसी जहाँ पर इन्हें जलाया जा रहा उसी के ऊपर जिंदा औरत को बिठा दिया जाता था, और पूरी की पूरी तरह वो जल जाती थी। तो बेटा सोचो वो किस तरीके से बैठती होगी, कितना दम लगता होगा, मैं तो सोच भी नहीं पाती कितने पेन में वो थी। पर फाइनली राजा राम मोहन रॉय ने इसके अगेंस्ट में बहुत काम किया और सती प्रथा बैन हो गई, इलीगल डिक्लेयर हो गई 1829 में, और करने वाले थे विलियम वेंटिक, लॉर्ड विलियम वेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। अब हम एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करेंगे, बच्चा की शिक्षा में क्या सुधार आए। तो राजा राम मोहन रॉय चाहते थे कि हम सबको, लड़कियों को, लड़कों को वेस्टर्न एजुकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, और उनका मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में स्प्रेड होना चाहिए। वो चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो लर्न करें वेस्ट से। वेस्ट इस टाइम तक बेटा हमसे बहुत आगे था साइंस में, टेक्नोलॉजी में, तो ये लोग और वहाँ पर सोसाइटी में भी थोड़ी इक्वालिटी आ चुकी थी। तो राजा राम मोहन को ऐसा लगता था कि हमें वेस्ट से कुछ सीखना चाहिए और अपनी सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए, है ना। वो ये नहीं कहते थे कि आप हर चीज़ का ब्लाइंड इमिटेशन कर लो कि जैसा वेस्ट में है उसको बिल्कुल वैसा के वैसा ही फॉलो करो, पर वो जोर देते थे कि हर चीज़ के पीछे रीज़न होना चाहिए। ही लेट एम्फेसिस ऑन रीज़न, कि आप जो भी बात कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो उसके पीछे क्या हो, रीज़न हो, लॉजिक हो। उन्होंने बहुत सारी बुक पब्लिश की, जर्नल्स पब्लिश किए और अपने आइडियाज़ को प्रोपगेट किया। उनका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि जो भी कुछ जैसा भी वेस्ट में उसको बिल्कुल अंधों की तरह फॉलो करो, पर आप इतना तो देखो कि यार भैया रीज़न होने चाहिए हर बात के पीछे। और उन्होंने बुक भी पब्लिश की और अपने आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाया। राजा राम मोहन रॉय को बहुत अपोजिशन फेस करना पड़ा बच्चा, क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था सोसाइटी का, है ना, वो राजा राम मोहन रॉय को पसंद नहीं कर रहा था। वो कह रहे थे भैया विडो री मैरिज की बात कर रहे हैं, सती प्रथा के अगेंस्ट में हैं। आफ्टर हिम ही हिज अनफिनिश्ड वर्क कैरीड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। बेटा जब राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है तो उनका जितना भी काम वो अधूरा छोड़ देते हैं उसको कंप्लीट करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। ये भी रिफॉर्मर्स ही होते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, याद रखना। अब हम पढ़ेंगे हेनरी लुई विवियान डिरोजियो। हेनरी लुई विवियान डिरोजियो, जो हेनरी लियो थे, विवियान डिरोजियो,
टॉट एट हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता, कहाँ पर पढ़ाते थे ये? हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता। कब से कब तक पढ़ाए इन्होंने? 1826 से 1831। हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता में पढ़ाया 1826 से 1831 तक। इनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें डिरोजियंस कहा गया। ये रेडिकल रिफॉर्मिस्ट थे, ठीक है। इनके जो आइडियाज़ थे बहुत ही रेडिकल थे। इनके अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। डिरोजियो का मानना था कि हर व्यक्ति के पास सोचने की आज़ादी होनी चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो जो मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की, डिरोजियो ने जो मूवमेंट स्टार्ट की उसे यंग बंगाल मूवमेंट के नाम से जाना गया। डिरोजियो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे किससे? लिबर्टी के आइडिया से। उनको लगता था कि जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, दूसरी यूरोपियन कंट्री हैं जहाँ पर लिबर्टी दी गई है लोगों को, तो हमारे इंडिया में भी लिबर्टी होनी चाहिए। तो लिबर्टी के आइडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। इक्वालिटी की बात करते थे, फ्रेटर्निटी की बात करते थे। तो वो आइडियाज़ जिनसे हमारे डिरोजियो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे वो थे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। हम सब इक्वल हैं, हम सबको लिबर्टी मिलनी चाहिए, हम सब एक बॉन्ड में बने हुए हैं, ब्रदरहुड के बॉन्ड में। इसी हम क्या कहते हैं, फ्रेटर्निटी। और ये सारे आइडियाज़, भले वो लिबर्टी की बात हो, इक्वालिटी की बात हो, फ्रेटर्निटी की बात हो, आप लोगों ने अगर हिस्ट्री का वो टू रेवोल्यूशन वाला जो चैप्टर था ना शायद, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने पढ़ाया, उसमें बताया है ना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पे ही मेजर एम्फेसिस था। उन्होंने एनकरेज किया अपने स्टूडेंट को कि वो रैशनली, रीज़न, लॉजिक के आधार पर सोचें। उन्होंने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया, सोशल लेवल्स जितने भी सोसाइटी में थे उनकी आलोचना की। कंडेम करने का मतलब होता आलोचना करना, आप बुराई भी बोल सकते हो, ठीक है। उन्होंने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया, सोशल लेवल्स की आलोचना की, मतलब उन्हें कंडेम किया, और विमेन राइट के लिए, विमेन राइट ऑफ एजुकेशन के लिए फाइट की। जो रेडिकल व्यूज़ थे, जो रिबेलियस एटीट्यूड था डिरोजियंस का, इससे कंजर्वेटिव्स बहुत परेशान थे। वो चाहते थे कि यार ये डिरोजियो तो हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर को ही बदल के रख देगा, इसको तो हमें रोकना चाहिए। तो जो डिरोजियो थे उन्हें उनकी सर्विसेज से डिसमिस कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है एट द यंग एज ऑफ 22। बेचारे 22 में इतना सब कुछ करके उनकी डेथ भी हो गई। कई लोग ऐसा सुना होगा ना तुमने, कितना जिया वो वैल्यू नहीं करता, कैसे जिया वो वैल्यू करता है। तो ये मात्र 22 साल की एज में तो इनकी डेथ ही हो जाती है, और फिर भी आप इन्हें अपनी हिस्ट्री की बुक में पढ़ रहे हैं। तो सोचो उसने वो 22 ईयर भी कैसे बिताए कि वो आज अमर हो गया, क्योंकि हिस्ट्री की बुक में जो भी है वो अमर है, है ना। तो क्या बोलना चाहिए, एक सलामी तो बनती है डिरोजियो के नाम पे। इनके जो स्टूडेंट्स थे, जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने डिरोजियो के काम को, उसके ड्रीम को पूरा करने की कोशिश की, और लिबरल और एक मॉडर्न सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया। अब हम पढ़ेंगे बेटा ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही नोन सोशल रिफॉर्मर थे। लोग इन्हें बहुत एडमायर करते थे क्योंकि इनका लाइफ स्टाइल एकदम सिंपल था, इनका सेल्फलेस एटीट्यूड था, अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं थे। इन्हें संस्कृत का नॉलेज बहुत था, और ये संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता में प्रिंसिपल भी रहे। तो जो ईश्वरचंद विद्यासागर हैं उनका संस्कृत का नॉलेज बहुत अच्छा था। ये संस्कृत कॉलेज इन कोलकाता में प्रिंसिपल भी रहे। इन्हें टाइटल मिला विद्यासागर का और ओशियन ऑफ नॉलेज। विद्यासागर, सागर मतलब होता है ओशियन, विद्या मतलब एजुकेशन, नॉलेज। तो इन्हें ओशियन ऑफ नॉलेज का क्या मिला, टाइटल भी मिला। ईश्वर चंद नाम था, विद्यासागर इन्हें टाइटल मिला। विद्यासागर का मतलब क्या होता है, विद्या, और सागर, ओशन ऑफ नॉलेज। विद्यासागर पूरी तरह डेडिकेटेड थे टूवर्ड्स एजुकेशन। विद्यासागर वॉज डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ एजुकेशन इन जनरल। इस टाइम में सिर्फ ब्राह्मण्स को पढ़ने का राइट था, पर इन्होंने सारे रिलीजन, सारे धर्मों के, सारे जात के लोगों को, सारी जातियों के, सारे धर्मों को बोला कि आप संस्कृत कॉलेज में एनरोल कराओ। ये कोई ब्राह्मणों की भाषा नहीं है, हम जन सामान्य का, कॉमन पीपल का भी इस पे उतना ही राइट है जितना ब्राह्मण का। तो इन्होंने अपने कॉलेज में सबको एडमिशन देना चालू किया, भले ही वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हो, भले ही वो किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हो।
इन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी, मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न एजुकेशन की भी बात की कि भाई हमारे लोगों को थोड़ा आइडिया तो इनका भी होना चाहिए। और बेटा इन्होंने ही वेस्टर्न फिलॉसफी को भी इंट्रोड्यूस किया कॉलेज में। इसके पहले वेस्टर्न फिलॉसफी नहीं पढ़ाई जाती थी, पर ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया द स्टडी ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी। मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी इन्होंने कॉलेज में पढ़ाना चालू किया। विद्यासागर ने एक क्रूसेड छेड़ दिया। क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध। क्या होता है? धर्म युद्ध। धर्म के लिए जब हम लड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्रूसेड। विद्यासागर ने एक क्रूसेड लॉन्च किया फॉर द बेटरमेंट ऑफ विडोज। विधवा मतलब जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है बेटा, उस औरत को क्या कहते हैं? विडो। हस्बैंड के डेथ के बाद उसकी वाइफ को क्या कहा जाता है? विडो। तो इन्होंने विडो के बेटरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। ये स्ट्रांगली फेवर में थे कि भैया विडो की री मैरिज हो जानी चाहिए। पहले तो ऐसे ही छोटी छोटी एज में आप लड़कियों की शादी कर देते हो, फिर वो बहुत ही अर्ली एज में विडो हो जाती है, तो वो पूरा लाइफ कैसे काटेगी? तो ये लोग ईश्वरचंद विद्यासागर भी, राजा राम मोहन रॉय भी इस फेवर में थे कि विडो री मैरिज होनी चाहिए, विधवाओं को दोबारा शादी करने का राइट होना चाहिए। इनके एफर्ट थे बेटा किसके? ईश्वरचंद विद्यासागर के, कि विडो री मैरिज एक्ट पास हो गया 1856 में। कब पास हुआ विडो री मैरिज एक्ट? 1856 में। जिस इस एक्ट 1856 के एक्ट के थ्रू जो विडो री मैरिज थी वो पूरी तरह लीगलाइज हो गई। ही वॉज ऑल्सो अपोज टू चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी। वो बच्चों की शादियों के खिलाफ भी थे, पॉलीगैमी के भी खिलाफ थे कि भाई एक हस्बैंड इतनी सारी वाइफ नहीं रख सकता है, इसके भी वो खिलाफ थे। और होना भी नहीं चाहिए, क्यों करना है ऐसा? बच्चों की शादी क्यों कर देना है? एक हस्बैंड के पास एक ही वाइफ होनी चाहिए, ज़्यादा क्यों है? विद्यासागर का स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, वो ऐसा फील करते थे कि अगर हमें औरतों को एम्पावर करना है, वीमेन एम्पावरमेंट तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो एजुकेटेड होंगी। तो विद्यासागर का एक फॉर्म बिलीव था कि औरतों को अगर हमें मुक्त कराना है, एमेंसिपेट करना मतलब मुक्त कराना है, तो वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम उन्हें एजुकेशन ना दें। तो औरतों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इस वक्त मेजर फोकस था विद्यासागर का। ही वॉज, और उन्होंने अपने आप को डिवोट किया औरतों की एजुकेशन के लिए। ही वॉज कीनली डिवोटेड टू द कॉज ऑफ एजुकेशन फॉर वीमेन। इन्होंने जो इन्होंने बेटा ड्रिंक वाटर बैथ्यून, इनका नाम था जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बैथ्यून, इतना बड़ा नाम है जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बैथ्यून, इनको भी हेल्प की कलकत्ता में गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन करने में 1849 में। तो जो हमारे विद्यासागर जी हैं उन्होंने किसको हेल्प किया? जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बैथ्यून को, सो दैट ही कैन सेट अप स्कूल फॉर गर्ल्स इन कलकत्ता इन 1849। विद्यासागर ने बहुत सारे स्कूल खोले लड़कियों के लिए, और अपने ही फंड से, ओन फंड से उन स्कूल्स को ये रन करने लगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रिफॉर्म मूवमेंट को मतलब सुधारों को किया कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स के लिए किसको जाना जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। ये एक स्पिरिचुअल टीचर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, अध्यात्म का ज्ञान देते थे, आध्यात्मिक गुरु थे, और साथ ही साथ सोशल रिफॉर्मर थे। क्या थे बेटा ये? आध्यात्मिक गुरु और सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक। सोशल रिफॉर्मर का मतलब क्या होता है? अब बेटा हम पढ़ेंगे रामकृष्ण परमहंस को। तो रामकृष्ण परमहंस स्पिरिचुअल मैन थे, आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, वो चाहते थे कि सारे रिलीजन्स में यूनिटी हो। ठीक है, वो चाहते थे कि सारे धर्म मिलजुल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बेटा हम सबके जीवन का उद्देश्य, हर धर्म का उद्देश्य साल्वेशन है, मोक्ष की प्राप्ति है। और मोक्ष को आपको प्राप्त करना है तो मेडिटेशन और डिवोशन से आप कर ही सकते हो। वो चाहते थे कि हमें सबसे ज़्यादा सर्व किसको करना चाहिए। ही एम्फेसाइज सर्विस टू ह्यूमन। वो ह्यूमन सर्विस पे ज़्यादा बिलीव करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ह्यूमन बींग्स सिंबल हैं गॉड का। सबसे ज़्यादा आपको सर्विस किसको देनी है? ह्यूमन बीइंग को। क्यों देनी है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है? सिंबल ऑफ गॉड। जो दूसरे रिफॉर्मर्स थे जैसे केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती ऑफन सॉट हिज स्पिरिचुअल गाइडेंस। बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर भी स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए कई बार इनसे बातें करते थे।
बेटा अब हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद को। तो बेटा अभी हमने पढ़ा रामकृष्ण परमहंस को, तो रामकृष्ण परमहंस के ही डिसिपल आए थे, उनके ही अनुयायी थे, शिष्य थे कौन? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद किसके स्टूडेंट थे, किसके डिसिपल आए थे बेटा? रामकृष्ण परमहंस के। स्वामी विवेकानंद वॉज अ डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस। लाइक हिज गुरु विवेकानंद वॉन्टेड टू सर्व ह्यूमैनिटी, अपने गुरु की तरह ही विवेकानंद भी ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते थे। उन्हें भी ये लगता था कि इंडियंस को, भारतीय को खुद अपने उद्धार के लिए, अपने अपलिफ्टमेंट के लिए, अपने समाज को सुधारने के लिए खुद ही काम करना चाहिए और आउटसाइड हेल्प पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। देखो आप अपनी सोसाइटी में कोई चेंज लाना चाहते हो तो आप खुद से चेंज करना चालू कर दो। कोई आउटसाइडर आएगा आपको फोर्स करेगा ऐसे ज़रूरी तो नहीं है, ऐसा कहना था किसका? स्वामी विवेकानंद का। और बेटा जो विवेकानंद थे किसके स्टूडेंट थे? रामकृष्ण परमहंस के। थ्रू आउट हिज लाइफ ही ट्राइड टू रिवाइव द प्राइड ऑफ इंडियंस, और पूरे जीवन इन्होंने एक ही कोशिश की कि भारतीयों को उनका प्राइड मिले, रिवाइवल हो। हाँ उनकी जो सिविलाइजेशन पास्ट में थी, जो रिकॉग्नाइज थी, नोन थी, वही वैसा ही फिर से होने लग जाए, पूरे वर्ल्ड में इंडियंस बहुत नोन हों, है ना। ही वेंट अब्रॉड। क्यों गई अब्रॉड? इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए इन्होंने स्पीच दी ऑल वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में। ऑल वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में स्वामी विवेकानंद की स्पीच हुई। ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन था, कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था, यूएसए में। कब हुआ था? 1893। 1893 में। कब बेटा? 1893 में। स्वामी विवेकानंद पहुँचे कहाँ पर बेटा? यूएसए, वहाँ के शिकागो में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसे हम पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कह सकते हैं या ऑल वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। और वहाँ पर इन्होंने जो स्पीच दी उससे सबका ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया एंड मेड द वर्ल्ड टेक नोटिस ऑफ इंडिया। और पूरी दुनिया को उस मंच पर उन्होंने खड़े होकर दिखा दिया कि भाई हमारा जो कल्चर है बहुत ग्रेट है और हमें उस पर बहुत प्राइड है। तो इन्होंने भारत को, स्वामी विवेकानंद ने भारत को शिकागो में बहुत प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया कि हर व्यक्ति भारत के बारे में सोच रहा था, उसकी बातें कर रहा था। 1897 में जो विवेकानंद थे उन्होंने रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश किया, अपनी टीचिंग्स को, अपने गुरु की टीचिंग को स्प्रेड करने के लिए, सोशल वर्क करने के लिए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी तो किसके डिसिपल थे? रामकृष्ण परमहंस के। तो जैसी शिक्षा रामकृष्ण परमहंस की थी वैसी विवेकानंद ने दी, तो अपनी शिक्षा को या अपने गुरुजी के उद्देश्य को, उनकी टीचिंग को स्प्रेड करने के लिए इन्होंने रामकृष्ण मिशन को ओपन किया, एस्टेब्लिश किया 1897 में। इस मिशन का मेन उद्देश्य था सोशल वेलफेयर। द मिशन एस्टेब्लिश मेनी स्कूल। इस मिशन ने बहुत सारे स्कूल बनाए, लाइब्रेरीज बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथालय, स्कूल, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, आपको पता ही है। इन्होंने ऑर्फनेज का मतलब क्या होता है बेटा? अनाथालय। ही ऑल्सो प्रोवाइड रिलीफ ड्यूरिंग फ्लड, जब बाढ़ आती, सूखा पड़ जाता, कोई महामारी, एपिडेमिक मतलब महामारी, जैसे कोरोना हर तरफ फैला हुआ था तो उसे क्या कहा गया? महामारी। तो बाढ़ के टाइम पे, अकाल के टाइम पे, कोई एपिडेमिक आए या कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, उसमें भी ये रिलीफ प्रोवाइड करते थे। स्टूडेंट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर, ओनली इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कमेंट सेक्शन।